मैं नहीं देख सकता। ऐसा सलूक तुम्हारे साथ कोई करे ना, मैं तो मुंह तोड़ देता। वाह भाई वाह, अल्फत भाभी ने चाय तो बड़ी आर्ट क्लास की बनाई है। चलो शुक्र है कुछ तो अच्छा लगा तुम्हें हमारे घर का। वैसे पता क्या, मैं दिली दिल में जेलस होता हूँ तुम्हारी बेटियों की फरमा बरदारी और जहानत को देख। हाँ इसलिए ताने देते थे ना मुझे हर वक्त तीन बेटियों का बाप होने का। अरे यार वो तो मेरी कमकली थी, वरना ऐसी समझदार और शरीफ बेटियां तो अल्लाह हरेक को दे। अगर मेरे तीन बेटे भी होते ना तो साशा का भी रिश्ता मांग लेता मैं। हाँ क्यों, नेहा को खुद ही फर्ज कर लिया तुमने अपनी बहू? भाई उस पर तो पहला हक बनता है मेरा, मैंने ही तो दी थी उसे गुट्टी, इसलिए आज बड़े मान से उसका रिश्ता मांगने आया हूं तुम्हारे पास। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? अरे यार देर आए दुरुस्त आए, वैसे भी मां बेटी ने तो हम सबका दिल जीती लिया है, और सबसे बड़ी बात यह कि मुझ जैसे निकट्टू और काहिल इंसान को भी काम पे लगा दिया है। काम पे सुल्तान वो तो ठीक है, लेकिन देखो दुआ करो कि अल्लाह वो करे जो दोनों के हक में बेहतर हो। आमीन आमीन आमीन। अब्बा प्रोफेसर जाबिर और सारिम भाई आए हैं। अबे ये कहां टपक पड़े सुबह सुबह, उन्हें भी रात को ख्वाब तो नहीं आ गया था कि सुल्तान टांगड़ाने आ रहा है रिश्ते में? अच्छा मैं आता हूँ, तुम भी आ जाओ। आ नहीं मैंने भी, तुम ही निपटो, कि मशीनी बेटे को देख के मुझे जरा गुस्सा सा चढ़ जाता है। हाँ तुम जाओ जाओ जाओ। अच्छा कहीं जाना नहीं, बैठे रहो। हाँ भाई ज़ॉम्बी वायरस कितने अकाउंट और हैक किए? अंकल मैंने वो काम छोड़ दिया, बुरी बात होती है ना। है? लगता है अच्छा बनने की हवा चल पड़ी है शहर में, वो भी बेरोजगारी में। अब तो रोजगार है। अच्छा बेटा अच्छा, ठीक है बेटा ठीक है।